अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूँगा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दें ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दिया करें कि मैं क्या चीज़ वीडियो में कमी है और क्या आप लोगों को अच्छा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। चलें दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स के लिए। तो इनमें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या क्या है। सबसे पहले ये तो आ गया सिटा, ये इसको मैंने कश कर लिया पूरा। इसके बाद ये पड़ा चिकंदर। चिकंदर आज मैं फ़र्स्ट टाइम दे रहा हूँ इन्हें, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या से रिएक्शन होता है इनका, लेकिन वेजिटेबल्स में आता है तो फिर ज़ाहिर है इनको हर वेजिटेबल्स देना होता है, इसलिए मैंने आज ये चिकंदर का बस थोड़ा सा पीस मैंने लिया। तो ये भी आज दे के देखेंगे इन्हें। इसके साथ है गाजर। गाजर तो मैं रोज़ाना ही देता हूँ इन्हें, हर कोई खा लेता है ये, बटेर से लेके फिंच तक ये हर चीज़ हर कोई खाता है ये। तो ये भी है। इसके साथ पालक, पालक के बीच आपने छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। पालक ये जितनी है इसमें अभी थोड़े थोड़े बड़े बड़े पीसीस हैं, तो ये फिंच क्या करती है, फिंच अगर मैं ये फिंच को दूंगा तो ये उठा उठा के वो अपने जो नेस्ट बास्केट है उसके अंदर वो लेके जाना शुरू हो जाएगी। तो जो फिंच के लिए वो मैंने इससे ज़्यादा ब्रीक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये फिर उठा उठा के उसके अंदर लेके जाना शुरू कर देंगे, वो फिर अजीब सा हो जाता है सब कुछ। तो चलें दोस्तों, अब इनको मिक्स करेंगे इन प्यालियों के अंदर। और इसके साथ मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये है केटल बोन फिश, उसका पाउडर है ये। ये थोड़ा सा रह गया तो ये मैं ख़ुद ही ले आता हूँ, एक केटल बोन फिश ले लेता हूँ। तकरीबन होती है वो कई 80 रुपए की होती है, उसको फिर मैं इधर ही बैठ के पीस के उसका एक पाउडर बन जाता है। तो वो मैं जब भी सॉफ्ट फूड देना तो मैं उसके ऊपर वो डाल देता हूँ, वो फिर ईजीली बर्ड्स खा भी लेते हैं। क्योंकि अगर आप बड़ा पीस रख देंगे वो कई बर्ड खाते नहीं, उनके पास भी नहीं आते, वो एक अजीब सा हो जाता है, मुश्किल हो जाती है फिर कि हम किस तरह से दें। तो आप ये सॉफ्ट फूड के ऊपर ये डाल के दे सकते हैं। इसके साथ है ग्रिट, ये ग्रिट है, ये थोड़ी सी रह गई है अब। ये जब भी मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ ये लाजमी मैं उनके ऊपर डाल के देता हूँ, ये चीज़ ग्रिट और ये केटल बोन फिश का पाउडर, ये लाजमी देना होता है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गाजर, ये अभी मैं बना रहा हूँ फिंच का, फिंच का हमने तैयार कर लिया। इसके बाद आते हैं हम ऑस्ट्रेलियन के लिए। ऑस्ट्रेलियन वैसे सॉफ्ट फूड बहुत कम खाता है, जो मेरे पास पड़े हैं ये बहुत कम खाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनका जो खाने का बर्तन है जिसमें इनके अंदर इनको दाना डाला होता है वो मैं दाना निकाल लेता हूँ, और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मैं ये सॉफ्ट फूड ही उन्हें दे रखता हूँ। अपने आप ही आएँगे, खाएँगे, फिर ज़रूर खाते हैं वो लोग इसके ऊपर। अगर नहीं खाते वो लोग तो आप कोशिश करें इसके ऊपर हल्के से जो इनके दाने हैं, जो भी बाजरा वगैरह, वो इनके ऊपर हल्का सा डाल दें, ताकि आगे जब वो बाजरा खाए उसको इनका जायका भी है थोड़ा बहुत चखे और खाना शुरू कर देगा वो। ये थोड़ा चिकंदर, तो ये भी हो गया। अब आते हैं लव बर्ड की तरफ। तो ये हो गया दोस्तों, सबसे पहले लव बर्ड, फिंच और ऑस्ट्रेलियन।
ये के ऊपर ये डाला नहीं, तो ग्रिट आज मैं नहीं डाल रहा, सिर्फ मैंने बताने के लिए रखी थी, ये मैं डाल देता हूँ इनके ऊपर। ये भी आप मिक्स कर लें इसमें से। ये दोस्तों हो गया तैयार, हम इन्हें दे के आते हैं। तो सबसे पहले लवबर्ड को दे देते हैं, वो बाहर आके बैठ गई है। इसका भी हो गया, अब ऑस्ट्रेलियन। तो इनको मैंने मटकी भी लगा दी है, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो मैंने बहुत कम जाते देखा। बॉक्स के अंदर जाते हैं तब जब बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाते हैं। हल्का सा फीमेल बॉक्स के अंदर जाती है, अंदर जाके वो भी शोर करना शुरू हो जाती है, फिर इसलिए अब मैंने मटकी भी दे दी है जिसमें ब्रीड करनी है। कर लो, तो ये मैंने काट लिया इनका, तो इसकी जगह हम दे देंगे इन्हें। ये मैंने इनको कटल बोन फिश का भी ये टुकड़ा दिया हुआ, इनमें से अभी तक इन्होंने हल्का सा भी इनको टच नहीं किया हुआ, तो इसलिए अब पाउडर ही बेहतर होता है। ये मैं इनके सेंटर पर रख देता हूँ चाय, और ये दाना है इनका, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा इनके इस सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल दूँ ताकि ये ईजीली खाना पसंद करें। चलो तकरीबन 2 घंटे तक मैं इन्हें कुछ भी नहीं दूँगा। तो दोस्तों जो बाकी बचा है अब वो बटेर को देते हैं। तो सबसे ज्यादा शौक से तो ये लोग गाजर खाते हैं, मैंने ये देखे ये शुरू हो गए, और थोड़ी सी डाल देंगे इनको पालक, सट्टा भी दे देंगे ये, और ये थोड़ा सा चिकंदर भी दे दिया। ये हमने कर दिया इनको बंद। अब दोस्तों ये बाकी रह गया, तो ये पूरा है ये मुर्गी और मुर्गे का, ये नीचे आके शुरू कर दिया इन्होंने। मिक्स कर लेता हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने तो सारा टाइम बाहर घूमना होता है। ये पूरा मिक्स कर लिया, अब ये इनका एक बर्तन मैंने रखा हुआ है बाहर, वो ऐसे तो चिड़िया के खाने का है, मैं इन्हीं में इनको डाल कर दे देता हूँ। ये लो, ये आप भी खा लेंगे, थोड़ा सा नीचे में खाएंगे हैं। चले दोस्त,
सबको सॉफ्ट फूड दे दिए सारे माशाल्लाह से खाना तो शुरू। अभी फिलहाल फिंचेस आई हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा। फिंचेस ने भी बेबी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे लग गए हैं, निकलने बस थोड़ा सा टाइम लगेगा उन्हें, फिर वो लोग नेक्स्ट बास्केट से भी निकलना शुरू हो जाएंगे बाहर। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से इसका जो सेंटर वाला कलर है, जो सेंटर वाले बेबी का कलर है वो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये देखें माशाल्लाह, दो इनमें आई थिंक दो मेल हैं एक फीमेल है, दो मेल और एक फीमेल लग रही है। ये भी दो, ये मेल है, इसके साथ वाला भी मेल लग रहा है। पीछे एक बैठा हुआ है, वो अभी शो नहीं हो रहा ज़्यादा, इसका मुझे फीमेल ही लग रहा है वो। दोस्तों वो फीमेल है क्योंकि उसकी आंखें नीचे जैसे रोने जैसा निशान है वो है। तो तकरीबन इससे भी वैसे मुझे डाउट है कि ये भी फीमेल हो, लेकिन इसका ये ज़्यादा डार्क हो रहा है तो शायद मेल ही होगा। ये थोड़े फ़ोन कलर में आई है, माशाल्लाह कलर बड़ा प्यारा है। पेरेंट्स में से तो किसी का कलर नहीं है, ये मेल का कलर थोड़ा सा मिलता है इससे। चलें देखते हैं, अब जब भी बाहर आएंगे फिर भी आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगा। कल ये जो साथ वाला है मेल जो है ब्लैक स्पॉट वाला, ये बाहर आकर तो इस झूले में खेलने लग गया था, तो पूरा दिन ये तकरीबन बाहर खेलता फिरता रहा। फिर रात के टाइम में होता है ये अंदर चले जाते हैं, तो अभी फ़िलहाल डर के बाहर नहीं निकल रहा, थोड़ी देर बाद ही निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों मटकी लगा दी है कि सामने इनका ये हॉल भी है, ये देखें इधर से सीधा इसके अंदर छलांग मार कर जाएंगे। पर देखते हैं अब बॉक्स नहीं तो फिर मटकी, वरना फिर अगर ये मटकी में भी नहीं जाएंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि एक दूसरे को ये फीड करवा रहे हैं, मतलब पेयर लगा हुआ है, लेकिन मसला इन्हें आ रहा है ब्रीड करने में, या तो ये डर की वजह से अंदर किसी चीज़ों के अंदर नहीं जा रहे, या फिर कोई और ही मसला है। तो मैं कोशिश करूँगा कोई दूसरा मेल ला कर इन फीमेल के साथ छोड़ दूँ, और मेल को कोई दूसरी फीमेल ला दूँ, तो वो दो पेयर एक ही केज के अंदर रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह से मुँह फीडिंग करवाते हैं दूसरों को। बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये लोग ब्रीड भी कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से खाना शुरू हो गए हैं, चलो खा लो। तो दोस्तों यहीं तक वीडियो ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दिया करें वीडियो आप लोग कैसी लगी, और मेरे फिंच की बेबीज़ की प्रोग्रेस कैसी लगी, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दिया करें। अल्लाह हाफिज़।